हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे IOTX कॉइन और इससे जुड़ी कुछ अपडेट्स की, साथ ही 2025 तक का जो प्राइस प्रिडिक्शन है किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो भी आपको मैं यहां पर शेयर करूंगा, क्योंकि अभी इसके प्राइस में अच्छा खासा पंप देखने को मिला था, इस वजह से कई लोगों ने इसमें एंट्री ले ली है। अब उनके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या अभी इसे होल्ड करके रखें या फिर इसे सेल आउट कर दें या फिर ये आने वाले समय में प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन तो अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर हम यहां पर मार्केट ओवरव्यू देखें तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 6.72 रुपीस पर और 24 घंटे में लगभग ये 5% नीचे की ओर आया। लोएस्ट प्राइस गया है 6.62 रुपए और हाई गया है 7.19 रुपए। और यहां पर मार्केट रैंक 96 है, वॉच लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें दोस्तों तो ये टीम लगातार मेहनत कर रही है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें पोटेंशियल है, आने वाले समय में ये आपको 15 से 20 रुपए पर भी ट्रेड करता दिख सकता है, अगर हम बात करें 4-5 महीने की उसके बाद। और यहां पर अगर हम वन डे का चार्ट देखेंगे तो आप इसमें इसका प्राइस थोड़ा यहां पर डाउन होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। और इससे पहले आपने देखा होगा इसके प्राइस में अच्छा खासा पंप देखने को मिला था, लगभग अगर आप 7 दिन का यहां पर चार्ट देखेंगे तो यहां से इतना ज्यादा पंप देखने को मिला था कॉइनबेस पर लिस्टिंग के कारण। मतलब ये कॉइनबेस पर लिस्ट हो चुका था, उस वजह से ये लगभग 5 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और इसका जो प्राइस था 11 रुपए तक पहुंच गया था कॉइनबेस लिस्टिंग के बाद। और उससे पहले भी ये ऊपर की ओर आया, लगभग 1 रुपए से आप देख सकते हैं 1-2 रुपए से ये लगभग वहां पर 3 से 4 रुपए तक ट्रेड करने लग गया था, क्योंकि इससे जुड़े कुछ इवेंट्स, मतलब इस कॉइन से जुड़े कुछ इवेंट्स हुए थे, इस वजह से इसका प्राइस पंप हुआ। और जो इवेंट्स होते हैं उनका असर होता है किसी भी कॉइन पर, किसी भी प्रोजेक्ट के इवेंट अगर हो रहे हैं, अगर किसी भी कॉइन का इवेंट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ असर उस पर देखने को मिलता है। तो इस वजह से आने वाले समय में अगर हम देखें तो अभी कोई इवेंट इनका नहीं है, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप करते हैं, क्योंकि ये लगातार ग्रोथ करता जा रहा है, ये अगर पार्टनरशिप करते हैं, नए एक्सचेंज पर लिस्ट करते हैं, तो फिर से आपको इसके प्राइस में पंप देखने को मिलेगा। अगर यहां पर आपके पास अभी 100 रुपए हैं तो आप लगभग यहां से अभी 14 कॉइन खरीद सकते हैं। और यहां पर आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 43% कम हुआ है, मतलब जिन लोगों ने इसको 9-10 रुपए में लिया है वो अभी नुकसान में है, लेकिन जो 3-4 रुपए वाले हैं उन्होंने सेल आउट कर दिया होगा। अगर आप 5-6 रुपए वाले हैं तो अभी आप रुक सकते हैं, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो आप इसे सेल आउट करके निकल सकते हैं, आप दूसरे कॉइन में भी जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्डानो की, अगर हम बात करें मेटिक की, वैसे अभी उनका प्राइस भी अच्छा खासा है। अगर हम बात करें कार्डानो की तो ऐसा टारगेट सेट हो रहा है कि वो लगभग $5 को भी क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों, जब डीप आया था तब कई लोगों ने ये सोचा कि वो डीप आएगा, अभी बाय नहीं करते हैं, इस वजह से कई लोगों ने बाय नहीं किया, वो सही ऑप्शन था आपके बेग्स को फुलफिल करने का। यहां पर आप देख सकते हैं अगर मार्केट कैप की बात करें तो वो भी लगभग 10% नीचे की ओर है। अब आते हैं दोस्तों ट्विटर पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं 101 के फॉलोअर्स हो गए, मतलब लगभग 1 लाख फॉलोअर्स इनके यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं। 2 दिन पहले ये ट्वीट आप देख सकते हैं जहां पर कॉइनबेस के द्वारा इसे लिस्ट किया गया था, जिस वजह से इसके प्राइस में अच्छा खासा पंप देखने को मिला था। और अगर किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो आप यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर आप 5-6 रुपए वाले हैं, क्योंकि यहां पर अभी इतना ज्यादा भी डाउन में नहीं जा रहा है। लगभग एक हफ्ते की बात करें तो 2 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, अभी लगभग 6 से 7 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कई प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके द्वारा लॉन्च भी किए जा रहे हैं, कई प्रकार की पार्टनरशिप है जो इनके द्वारा की जा रही है, तो एक तरीके से हम कहें आप। और दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ह्यूबी पर न्यू लिस्टिंग हुई थी, यहां पर 1 दिन पहले की बात है, इसको उन्होंने रिट्वीट भी किया हुआ है, तो यहां पर ये नई लिस्टिंग करते जा रहे हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा टाइम यहां पर रुक सकते हैं इस कॉइन में। अगर आप यहां पर सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा कॉइन है। आपको मैं यहां पर प्राइस प्रिडिक्शन भी दिखा देता हूं जो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्राइस प्रिडिक्शन पर, जो आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 2021 से 2025 तक का ये प्राइस प्रिडिक्शन है जो इनके द्वारा किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम सितंबर की बात करें तो लगभग $0.12 पर ये ट्रेड कर सकता है, मतलब अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो 8 रुपए से 9 रुपए के बीच में ट्रेड कर सकता है। और ऐसा आपने अभी भी देखा, अगस्त के महीने में ये इतना चले गया था, लगभग 11 रुपए तक पहुंच गया था अगर ऑल टाइम हाई देखें तो, इतना ये ट्रेड कर सकता है क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही है। अगर हम बात करें दिसंबर की तो आप देख सकते हैं $0.21, मतलब लगभग 14 से 15 रुपए पर ये ट्रेड कर सकता है। और अगर हम देखें यहां पर 2022 एंडिंग का तो आप यहां पर देख सकते हैं नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करें तो $0.36 पर ये ट्रेड कर सकता है, मतलब लगभग 20 से 25 रुपए के बीच में इसका प्राइस जा सकता है इंडियन रुपीज में। मतलब अगर आप यहां पर 4-5 रुपए में लेकर बैठे हैं तो दोस्तों अभी सेल करने से कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आप रुक सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। यहां पर प्राइस प्रेडिक्शन भी आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें 2025 की तो यहां पर मार्च 2025 में इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया गया है वो लगभग $1 को टच हो जाएगा, मतलब 74-75 रुपीज तक पहुंच सकता है। तो इसमें ग्रोथ तो है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ही ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं
तो आप अपना प्रॉफिट निकालकर यहां से निकल सकते हैं। अगर अभी आप लॉस में हैं तो थोड़ा टाइम और वेट कीजिए, क्योंकि यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आते हैं तो कोई भी कॉइन आपको लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा नुकसान नहीं देगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप आते हैं तो वहां पर थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो अगर हम बात करें इस कॉइन की, तो इसमें पोटेंशियल है, ये ग्रोथ कर रहा है, एक अच्छा कॉइन है। दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, लास्ट डिसीजन आपका होता है। क्रिप्टो मार्केट में पूरी तरीके से जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सोच समझ के करिए, क्योंकि यहां पर जो भी लॉस होता है उसके जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं, अपना डिसीजन आप खुद लें। और यहां पर जो कोई भी अपडेट हमारे द्वारा दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से दी जाती है। दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।